हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलू वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 16वां सेट सॉल्व करेंगे हम, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे इस पर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि छाया मंत्रिमंडल क्या है? तो छाया मंत्रिमंडल से तात्पर्य है संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित की गई एक प्रवक्ताओं का समूह। ठीक है, उसे ही कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आप लोग कमेंट करिए किसके द्वारा अंकित किया जाता है, अशोक मौर्य के रुमिनदेई स्तंभ द्वारा। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाया गया जो रुमिनदेई स्तंभ था उसी में गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में सूचना मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने ये उपाधि दी थी कि भारतीय अशांति के जनक हैं ये। ठीक है, किसने दी थी? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो जजिया कर जो कि सब पर लगा था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला है, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें नापा जाता है? मनुष्य के शरीर में एक्स किरणों या फिर गामा किरणों के द्वारा जो नुकसान होता है उसको किसमें मापा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेम में मापते हैं। ठीक है, रेम का अर्थ क्या होता है? रोंटेजन इक्विवेलेंट। ठीक है, रोंटेजन इक्विवेलेंट होता है रेम का अर्थ, और इसमें मापते हैं हम मनुष्य के शरीर में विकिरण के द्वारा होने वाले नुकसान को। नेक्स्ट है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस अध्ययन को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? आप लोग अपने वेजिटेबल में यूज़ करते होंगे पत्ता गोभी, तो इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है उसका संग्रह किस में किया जाता है, तने में, फल में, जड़ में या फिर पत्तियों में? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, पत्तियों में। जो पत्ता गोभी होता है उसकी पत्तियां ही तो छिलकर सब्जी बनती है, तो यानी कि इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला है, राइडर कप किस खेल से खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, यहाँ पर के होगा, तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोल्फ के जो प्लेयर होते हैं उन्हें दिया जाता है राइडर कप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यानी अगर फ्रेश वाटर है तो उसका हिमांक बिंदु यानी किस टेम्परेचर पर वह बर्फ बन जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसे फॉरेनहाइट पैमाने में पूछा जाए तो 32 फॉरेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इसमें से क्या सही नहीं है। PIL दिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, NGT, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NMA, नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी। तो बताइए इसमें कौन सा फुल फॉर्म है जो कि गलत है, क्या होगा राइट आंसर? NGT, क्योंकि NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और यहाँ पर आपको दिया है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो कमेंट करिए आप लोग, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी धारा संबंधित है? धारा 377। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, धारा 377 का संबंध है समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से।
नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना जो है उस बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग को। नेक्स्ट है, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट हैं। ये जो यहाँ पर आपको चार नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की चट्टान होती है, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट। तो ये हो जाती हैं अंतर्वेदी चट्टान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब अंतर्वेदी चट्टान किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो उसमें से निकलता है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा, गर्म लावा, ये जो निकलता है ये धरातल के ऊपर आकर के जम जाता है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो मैग्मा है वो धरातल के ऊपर ना आकर के धरातल के अंदर ही अगर वो कहीं जम जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की जो चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो कमेंट करिए किस वर्ष संशोधन किया गया था, 1993 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू किया गया था 1964 ईस्वी से। नेक्स्ट है, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ आपको बताना है कि ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ भूप्रयोगता लिखा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए बहुप्रयोगता यानी कि मल्टी यूज़र। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टी यूज़र के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फ़ायदा किसका होता है? जब मुद्रास्फीति होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, लेनदार को, उद्यमी को, सरकारी कर्मचारी को या फिर कॉरपोरेट कर्मचारी को? कमेंट करिए आप लोग। तो सबसे ज़्यादा इसमें मुनाफा मिलता है उद्यमी को, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है मुद्रास्फीति की स्थिति में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में ही विद्यमान तत्व है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियाँ यानी कि हमारी हड्डियों में दोनों में जो कॉमन तत्व होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। और कैल्शियम को हम CA से इंडिकेट करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? आपको बताना है कि जो ध्वनि होती है उसे हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में मेजरमेंट होता है ध्वनि का। नेक्स्ट है, औषधियों में श्वापक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, कमेंट करिए आप लोग। इसमें यूज़ किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है N2O और क्लोरोफॉर्म जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, टेस्ला किसका यूनिट है? आपको बताना है कि टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो किसका मात्रक हो जाएगा इसमें राइट आंसर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। यहाँ चुंबकीय दिया है और ये क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से आपको दिख रहा है, कंफ्यूज मत होइए। इसका सेंस ये है कि टेस्ला जो है वो किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं? नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 1 या फिर नेशनल हाईवे 3 को किसको कहते हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 1, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को कहते हैं शेर शाह सूरी मार्ग। इसके अलावा इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से अमृतसर तक है, यानी कि ये जो रोड है ये दिल्ली को अमृतसर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के
निर्णय और परामर्श करने के लिए ये एक आयोग बनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल बदलता है, एसिड जो है उसका क्या कार्य होता है? तो एसिड क्या करता है, ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? मरुस्थल में विकसित होने वाले पादप का नाम बताना है आपको। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जीरोफाइट। जीरोफाइट जिसे कि मरुद्भिद भी कहते हैं, ये जो पादप होता है ये मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में भी विकसित हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला, श्री सी वी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कमेंट करिए आप लोग, किस क्षेत्र में सी वी रमण जी ने कार्य किया था? प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फील्ड में कार्य करने के लिए उन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में, और उनके इस कार्य को ही रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रमन इफेक्ट क्या है या फिर रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे सर सी वी रमन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा राइट आंसर? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला है, दिल्ली में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? आपको बताना है जो दिल्ली है वहाँ पर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीटें हैं वहाँ पर 70, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? यहाँ आपको चार ऑप्शन है और चार में से तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि स्तूप है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर कोई भी स्तूप नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर? रांची, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, और इसके साथ ही आप लोग तुरंत जब भी हमें क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उसका आंसर तुरंत किया करिए, क्योंकि ये जो जीके जीएस का क्वेश्चन होता है इसमें आप जितना कम समय लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जीके जीएस क्या है, उसमें आपको क्वेश्चन देखना है ध्यान से, उसके बाद ऑप्शन देख के आपको तुरंत आंसर अगर आ रहा है तो आप तुरंत आंसर कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसमें पेन नहीं उठानी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अगर आपको आ रहा है तो आप उसको सही आंसर टिक करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ देंगे। तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से समय इनफ होगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो कमेंट करिए आप लोग, किसका भाग होता है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा आपका निजी लेखा निर्माण, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन और घी तैयार करना निजी लेखा निर्माण का भाग है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश निम्नलिखित स्थान में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? क्या होगा राइट आंसर? सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, और इन्होंने अपने पांच शिष्यों को ये उपदेश दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें 3-5%, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 3-5% जो है वो ढलवा लोहे में कार्बन पाया जाता है, और 0.5-3% पाया जाता है सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार शुरू की थी पुर्तगीज़ ने, ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से है, देश में बैंक शाखाओं की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्यों के संदर्भ में नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया? तो पहला स्थान दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को दिया गया था SDG सूचकांक में फर्स्ट प्लेस। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो इसकी राजधानी आप लोग देख लीजिए, इसकी राजधानी होती है शिमला, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के CM कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
कौन है यहाँ के सीएम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कमेंट करिए कौन है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद सक्सेना, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। चलिए अगला देखते हैं, चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहां पर चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है केरल, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको, केरल बन गया है चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम और इसके सीएम है पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी पर्यटकों को ताज दर्शन के लिए कितने मूल्य का टिकट खरीदना होगा? जो देशी पर्यटक होते हैं उनको अगर ताज देखना है तो उसके लिए उन्हें कितने रुपए पे करने होंगे? इसमें राइट आंसर होगा डी, 250 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसके साथ ही आप हमें अपने स्कोर भी कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।